तो आज आप चारों में से अक्सरियत का ख्याल ये है कि पहली प्रेडिक्शन जिन साहब या साहिबा से लेनी चाहिए वो सारा साहिबा है, तो आप हैप्पीली प्रेडिक्शन देने के लिए आए हैं। मैंने पहले भी वॉलंटियर किया था एज ऑलवेज। चलो आज तो अच्छी बात है। पहला मुकाबला है लाहौर और क्वेटा का, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? आई विल गो विद लाहौर। लाहौर। दूसरा मुकाबला है, बल्कि चले पहले इस मैच की सबसे पूछ लेते हैं सर, लाहौर वर्सेस क्वेटा। क्वेटा। क्वेटा जीतेगा। कनान भाई, वसीम भाई पहला मैच लाहौर कलंदर्स जीते। लाहौर कॉपी कॉपी कॉपी। अब वो भी ये कह देंगे क्या? अच्छा वसीम भाई हम एक काम करते हैं, हाँ। अगर कोई किसी को कॉपी नहीं we कर रहा तो मैं एक्सप्लेनेशन टू एनीवन, वी आर एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड, वी डू नॉट वसीम भाई एक्सप्लेनेशन टू एनीवन, नॉट इवन हिम, नॉट एनीवन। ठीक है, यू हायर मी एज एन एक्सपर्ट, दिस एआरवाई हायर्ड मी एज एन एक्सपर्ट। चलिए टेंपरेचर्स कम कर देखिए, अब देखिए उस दिन ये हुआ। मैं सजेस्ट करता हूं, इनकी बात मानी जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा, तो आई एम रेडी फॉर दैट कि मैं प्रेडिक्शन को पहले लिख के दिया करूंगा पूछने से पहले, बजाय इसके कि मैं नाम लिखूं कि ये बोलें ये बोलें। मैं रेडी हूं, बुरा लग रहा है जो हम से कॉपी कर रहे हैं। ईगो इज गेटिंग हर्ट राइट नाउ, योर ईगो इज गेटिंग हर्ट। मसला ये है, यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन दिस पैनल। प्रोग्राम से पहले मैनेजमेंट कुछ रूल्स बनाती है, वो रूल्स मुझ तक भी कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं और आप तक भी, पूरे प्रोग्राम तक वही रूल चल रहा है। अच्छा मैं रेडी हूं, इन तीनों में से कोई रेडी है कि अपनी प्रेडिक्शन पहले लिख के दे दिया करें? नहीं कोई रेडी नहीं होगा, ताकि किसी को शक ना हो। कोई इसका पाबंद नहीं है ना, क्योंकि ये रूल नहीं है। लेकिन मैं इससे भी कह रहा हूं, उस दिन ये हुआ कि आपने एक प्रेडिक्शन दी, उन्होंने भी वही दे दी, आपने कहा कॉपी कर रही है। आज आपने प्रेडिक्शन दी, इन्होंने प्रेडिक्शन दी, आपने वही, अब ये कह रही है कॉपी कर रहे हैं, तो अब क्या करें इसका? इल्जाम हो गया ना। चले आगे बढ़ते हैं। खैर आप बताएं लाहौर वर्सेस क्वेटा। मैंने तो अपना वॉलंटियर नाम भी नहीं दिया, मैं तो वॉलंटियर मैंने अपना नाम तीन दफा दे चुकी हूं। चलो ठीक है ठीक है, क्या लाहौर आपने कहा? जी 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 सर। अली भाई देखिए मेरे हिसाब से भी फिर वो कहेंगे कॉपी। देखिए मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जी 7 साल से मैं आ रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर 30 साल से एक मौजूद साबिक वजीर आजम करप्शन करते आए तो सही थे, अपने पास एक्सपीरियंस को डिस्कस ना करें ये। और अगर इतनी बात है तो ये ऐसे करें, एक एक बंदा लाएं, क्लाइंट कोई भी जैसे सेलिब्रिटी आई है, ये इसके बारे में कुछ बताएं, मैं बताता हूँ, और ये तीसरी बताएं, जो सही बताएगा वही सही होगा। बताएं, भाई एक मिनट ये वही अली भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ एक टीवी चैनल पे बैठ के चैलेंज किया था कि इमरान खान जिंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास गलत है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमारी आज की मेहमान साहब ने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ रखी हुई, हमारी आज की मेहमान के बारे में बात बता सकते हैं? इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दे रहे, मैं अभी बताऊंगा। ये किसी को भी अगर मैं बोलूं कि चलो अगला मैच हौसला हौसला होता, ठीक है। कराची वर्सेस इस्लामाबाद जी, सारा इस्लामाबाद कराची जीतेगा। कराची जी भाई, कराची जी। मेरे हिसाब से देखें पहली मैंने कराची, हाँ पहली लाहौर या क्वेटा, सॉरी लाहौर है ठीक है पहली, और दूसरा कराची इस्लामाबाद, दूसरा कराची। चले नन्ने में आगे प्रेडिक्शन दिखाएं जी, टाइम टाइम लाहौर कलंदर का मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, कराची किंग का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, वक्कम बासित भाई लाहौर वर्सेस क्वेटा। पहले में लाहौर, दूसरे में दूसरी बारी जी लाहौर कराची, और दूसरे में लाहौर कराची। अच्छा सॉरी लाहौर कराची, मैं साहब कह रहे हैं लाहौर कलंदर, मेरे ख्याल सबसे जल्दी जवाब फर्स्ट टाइम ये बात है। सना साहिबा कल 2 मैचेस है पीएसएल में, पहला है लाहौर वर्सेस क्वेटा, आपका क्या ख्याल है कौन जीतेगा लाहौर वर्सेस क्वेटा में? क्वेटा क्वेटा। और दूसरा मैच है कराची का इस्लामाबाद से, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? कराची कराची। अजीत जी साहब आप भी बताएं। वैसे पिछले मैच में क्वेटा के साथ जो कॉलिंग इनग्राम ने कर दी हुई है, ओए होए सर प्रेडिक्शन देना प्रोग्राम का खत्म, अल्लाह माफी, मेरे ख्याल में लाहौर को जीतना चाहिए। और दूसरा मैच? दूसरा जाहिर है फिर आप में खैर हैं, मेरी भी पूछ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बता दी लाहौर और क्वेटा का मैच है तो आपको क्या तकलीफ है? सिंह भाई इनका इनका पहली टीम लाहौर, दूसरा फैसलाबाद। चले तो देखते हैं अब कल के मैचेस के क्या रिजल्ट हैं। सना साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनने का। जाते जाते भारत के लिए कोई पैगाम जो आजकल वो कर रहे हैं 10 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे भारत के लिए? हाँ जो कुछ हो रहा है आजकल, बस वक्त 5 सेकंड। हाँ बस यही कहना चाहती हूँ कि हर इंसान, हर जो है जिनका मुल्क होता है वो अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव होते हैं, और जो कुछ भी इस वक्त आवाम का रिएक्शन है या एक्टर्स का है वो सही है, बिकॉज हर कोई अपने मुल्क के लिए लॉयल होता है, और यही बिहेव होना चाहिए हर एक का। चले हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस नारे से, और वो नारा है हम सबकी जान मान पहचान, यानी कि पाकिस्तान।